दोस्तों आज है हमारे पास यूबोन की तरफ से आने वाला अल्ट्रा बीट वायरलेस नेकबैंड, जिसकी करेंगे हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग फाइनल। वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। बॉक्स के सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में यूबोन लाइट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्राउडली मेड इन इंडिया, तो यानी कि एक मेड इन इंडिया का ही प्रोडक्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर लिखा हुआ है अल्ट्रा बीट वायरलेस नेकबैंड। बात करी जाए पैकेजिंग की, तो बॉक्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। नीचे की बात करी जाए तो यहाँ पर पावर बैकअप लिखा हुआ है और साइड में बात करी जाए तो CL 115 लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है बिग टैडी बेस, यानी कि पैकेजिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बॉक्स कंटेंट्स भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। साइड में बात कर जाए यहाँ पर कुछ माइक्रोफोन के फ्यूचर वगैरह दे रखे हैं, यानी कि इसके अंदर माइक्रोफोन इनबिल्ड है। ज़्यादा डिटेल में ना चलते हुए सिंपली पीछे की बात करते हैं। पीछे की बात करी जाए तो यहाँ पर अल्ट्रा बीट लिखा हुआ है वायरलेस नेकबैंड, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि इसके अंदर बीट काफ़ी अच्छी होती है, बिग टेडी बेस के अंदर आता है। सिंपली ज़्यादा डिटेल में ना चलते हो, सिंपली करते हैं इसे ओपन और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो चलिए यहाँ से सिंपली हम कर लेते हैं इसे ओपन और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। सिंपली बॉक्स के अंदर मिलता है एक वाटरप्रूफ बैग जो कि ब्लैक कलर का है और दोनों तरफ हो रही है यूबोन की ब्रांडिंग जो कि बड़े अक्षरों में है। ऊपर मिल जाता है एक जिप लॉक, जहां से करेंगे हम इसे अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। सिंपली यहां पर हमें ब्लैक कलर के साथ एक ब्लैक कलर का नेकबैंड भी मिल जाता है। तो इसके अंदर और देखते हैं और क्या मिलता है इसके अंदर, और तो कुछ इसके अंदर है नहीं जैसे कि मैंने ट्राई कर चुका हूँ। और इसके अंदर मिलता है एक डाटा केबल और सिंपली एक नेकबैंड। बात करी जाए डाटा केबल की, तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का इसमें डाटा केबल मिल जाता है। अब बात करते हैं नेकबैंड की, तो सिंपली यहाँ पर यूबोन लाइट लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। और यहाँ पर बात करी जाए इसके एयरबड्स की, तो इस प्रकार के एयरबड्स हमको मिल जाते हैं। सिंपली यहाँ पर मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। सिंपली यहाँ पर मिल जाते हैं हमको 3 बटन, जो कि हमारा एक माइनस होता है और एक प्लस, और बीच वाला होता है हमारी कॉल रिसीव और रिजेक्ट करने के लिए। सिंपली इसी बटन से ये ऑन भी होता है और इसी बटन से ऑफ भी होता है। तो चलिए यहाँ पर और किसी चीज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिल जाता है यूबोन लाइट का एक लोगो। और सिंपली इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर जाए तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही फ्लेक्सिबल और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसकी बिल्ड क्वालिटी दे रखी है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे और देखने के बाद आपको पता चल ही रहा होगा। और सिंपली यहाँ पर साइड में मिल जाता है हमको एक जैक, जो कि हमारा एक इसे चार्ज करने के काम आता है। और सिंपली अब करते हैं इसके फाइनल पॉइंट की बात, जिसके लिए हम ईयरफोन को यूज करते हैं। दोस्तों इसके साउंड की क्वालिटी की बात कर जाए तो साउंड की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, ट्रिपल टाइप के बेस इसमें मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसमें मिलती है। और बात कर जाए इसके बेस की, तो बेस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसमें। और बात कर जाए इसके ट्रिपल की, ट्रिपल थोड़ी हैवी क्वालिटी के इसमें मिल जाते हैं। जिस बजट में ये हमको मिल जाती है, उस बजट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक हमारे लिए नेकबैंड मिल जाता है। उसके हिसाब से देखा जाए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसकी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए, ऊपर लिंक मिल जाएगा।